वेलकम टू अदर्थ एजुकेशन सेल्फ हमेशा साहू तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल थ्री स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक का डिस्कशन किए हुए हैं जैसे कि इक्विब्रियम का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ इक्विब्रियम राइट और जो इक्विब्रियम होता है डियर जिसको हम बेसिकली या तो फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं या तो हम बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं समझ पा रहे हैं क्या बात को दैट मीन्स इक्लिब्रियम ऑफ फोर्सेस और इक्विब्रियम ऑफ बॉडी ओके okay, देन हमने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशंस राइट आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डियर नंबर ऑफ जे एग्जाम्स की बात करूं या फिर मैं नंबर ऑफ ए एग्जाम की बात करूं राइट right? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस राइट जब किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर प्लेन में कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस टर्म कोप्लेनर नॉन कंकरिंग फोर्स सिस्टम अप्लाई होता है तो आप बताइए भैया कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे राइट right? तो इस तरह के हमने डिफरेंट कंडीशंस की बात किए हुए हैं जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं राइट right? हमने ये भी बात किया हुआ था कि जब बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स में फोर्सेस एक्ट कर रहे हो मतलब नॉन नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ हो तो जिसमें हमने कुछ कंडीशंस की बात किए हुए थे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम रिज़िड बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स में इस तरह के अप्लाई हुआ हो तो नंबर ऑफ स्टैटिकलियम कितने होंगे राइट नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जब रिजिड बॉडी के डिफरेंट प्लेन में इस तरह से कर रहे हो तो बताइए बताइए नंबर ऑफ स्टैटिक कितने होंगे हमने जितने भी पॉसिबल कंडीशंस कंडीशंस हो उन सभी डिस्कस किए भैया स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशंस को राइट नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशंस को तो मैं बिल्कुल ये उम्मीद करूंगा कि आपको आपको है ना स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशंस के कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा राइट तो मैं बिल्कुल ये उम्मीद करूंगा जरूर अपना फीडबैक दिया करें डियर लेक्चर्स लेक्चर्स जब भी आप देखते हैं है ना तो प्रॉपर आपका नोट प्रिपेयर होना चाहिए और आपका फीलिंग बिल्कुल आप शेयर किया करें राइट तो चलिए फिर मैं मॉडल थ्री को आगे बढ़ाता हूं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं दैट इज नथिंग बट वॉट लैमिस थ्योरम द ऑफ लैमिस थ्योरम ओके okay, तो याद कीजिए मॉड्यूल टू में है ना मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ था लॉ ऑफ ट्राइंगल राइट तो ये बात बोल के रखा हुआ था कि जो लॉ ऑफ ट्राइंगल होता है राइट right? और लैमिस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों सेम होता है दोनों सेम होता है राइट right? इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है डियर लॉ ऑफ ट्राइंगल इज टोटली डिफरेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट लेमिस थ्योरम समझ पा रहे हैं क्या बात को लॉ ऑफ ट्राइंगल का जो यूज होता है हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की बात करते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जब बात करेंगे तब हम लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे डियर लेकिन लैमिस थ्योरम एक स्पेशल केस होते हैं जब आप स्टैटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं जब आप बात करते हैं अननोन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए राइट तो आप लैमिस थ्योरम के कांसेप्ट को यूज करते हैं जहां पे बात होती है इक्विलिब्रियम की जहां पे बात होती है इक्विलिब्रियम की तो नंबर ऑफ कंडीशंस है है ना जिस बेसिस पे ये स्पेशल केस बना हुआ है लैमिस थ्योरम क्लियर है क्या बात तो चलिए फिर बहुत बेसिक से हम लैमिस थ्योरम को पढ़ेंगे राइट right? और यहां से आप बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे क्लियर हो पाएंगे कि लैमिस थ्योरम एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल बोथ आर टोटली डिफरेंट टोटली डिफरेंट राइट तो कुछ सिमिलरिटी है इन दोनों में है ना तो वो रीजन भी आपको समझ में आएगा वो रीजन भी आपको समझ में आएगा तो पहले तो मेरा सजेशन रहेगा यदि आप लॉ ट्राइंगल का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले तो भी आप देख लीजिए प्रॉपर एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा देन आज इस लेक्चर को ओपन करिएगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लैमिस थ्योरम तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तो भैया चलिए बात करते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ लैमिस थ्योरम जिसमें है ना इसका स्टेटमेंट क्या है क्या है इसका एक्चुअली इस स्टेटमेंट ये बात करते हैं है ना तो आप बिल्कुल ये कनेक्ट कर पाएंगे राइट right? आप बिल्कुल ये क्लियर हो पाएंगे कि भैया लैमिस थ्योरम और जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है वो था टोटली डिफरेंट थिंग समझ पा रहे हैं क्या बात को तो आइए तो जरा देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम थ्री कोप्लेनर कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर होल्डिंग अ बॉडी इन इक्विब्रियम देन इच फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन टू रिमाइनिंग फोर्सेस समझ पा रहे हैं क्या बात को क्लियर है तो यहां पर है ना प्रॉपर कंडीशन की बात होती है भैया जिसकी वजह से हम इस्लामिक धर्म को स्पेशल केस बोलते हैं टू सॉल्व दू सॉल्व दॉट स्टैटिक प्रॉब्लम राइट right? तो इन कंडीशंस को बिल्कुल फॉलो होना चाहिए इन कंडीशंस को सर व्हाट और दो कंडीशन तो देखिए जी है ना अभी तो जस्ट बताया कि भैया जब थ्री फोर्सेस की बात होगी और वो थ्री फोर्सेस कैसा हो कोप्लेनर हो कनकरेंट हो एंड नॉन कोलिनियर हो जब मैं कोप्लेनर की बात करता हूं जब मैं बात करता हूं कनकरेंट की जब मैं बात करता हूं नॉन कोलिनियर की तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है अभी से तो अभी तक हम बेसिक यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना डियर फोर सिस्टम पढ़े राइट जिसमें डिफरेंट टाइप के फोर सिस्टम में हम कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कनकरेंट कोलिनियर यही तो बात करते आ रहे हैं ना तो आपको समझ में आना चाहिए कोप्लेनर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कंकरेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए नॉन कोलिनियर का मतलब राइट तो ऐसे थ्री फोर्सेस जब वो कैसा हो कोप्लेनर हो कॉनकरेंट हो और नॉन कोलिनियर हो राइट जो जो बॉडी में एक्ट कर रहा हो और उस बॉडी को होल्ड करके रखता है एक ऐसा सिचुएशन में एंड दैट सिचुएशन इज वॉट इक्विब्रियम दैट सिचुएशन इज वॉट इक्विब्रियम समझ रहे हैं क्या बात को राइट right? यदि ऐसा है तो इच फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस इज दैट क्लियर तो आइए तो जरा इसको फील करते हैं देखिए तो ये रहा भैया है ना एक प्लेन रिज़िड बॉडी का कोई एक प्लेन की बात करूंगा मैं इस तरह से क्योंकि कोप्लेनर की बात हुई ना यहां पे तो ये रहा रिज़िड बॉडी का एक प्लेन राइट right? और इस प्लेन में मेरे को बात करना होगा थ्री फोर्सेस क्या थ्री फोर्सेस ओके सर फाइन देखिए तो ये रहा भैया कोई फोर्स है ना ये कोई अनदर फोर्स हुआ लाइक like दिस इस तरह से है ना और ये कोई और एन फोर्स हुआ इस तरह से तो मैंने यहां पे बात कर लिया क्या थ्री फोर्सेस राइट चलिए नेमिंग करता हूं मैं दिस इज द फोर्स एफ वन दिस इज द फोर्स एफ वन एंड दिस इज द फोर्स एफ टू राइट एंड दिस इज द फोर्स एफ थ्री क्लियर बात ओके तो एक प्लेन की बात किया और इस प्लेन में ये थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं मतलब ये क्या हुआ कोप्लेनर हुआ क्या हुआ बताइए तो कोप्लेनर हुआ बिल्कुल और साथ ही साथ आप देख पाएंगे इसका कि जो लाइन ऑफ एक्शन है इन सभी फोर्सेस का एक पॉइंट पे मिट कर रहा है सिंगल पॉइंट पे मिट कर रहा है मतलब ये कंकरेंट भी हुआ क्या वो बताइए तो कॉन्करेंट भी हुआ बिल्कुल सही बात और लिनियर है ना कोलिनियर का मतलब आपको समझ में आता होगा कोलिनियर कॉमन लिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के होता है फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन तो उसको कोलिनियर बोलते हैं तो भैया यहां पे आप देख पाएंगे आप प्रॉपर यहां पे फिल कर पा रहे होंगे कि थ्री फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये ना कोलिनियर नहीं है कोलिनियर नहीं है कैसा है नॉन कोलिनियर है बताइए तो ियर बिल्कुल सर फिल कर तो पा रहा है बिल्कुल और इसमें कुछ मैं एंगल्स की बात कर रहा हूं ऐसा एंगल राइट जो फोर्सेस आपस में है ना बना रहे होंगे इज दैट क्लियर तो भैया मैं यदि फोर्स F1 और फोर्स F2 के बीच का एंगल की बात करूं तो सपोज कीजिए ये एंगल है भैया क्या ये है सपोज करता हूं मैं ये थीटा थ्री ऐसा नेमिंग करते जाता हूं राइट और फोर्स एफ थ्री और फोर्स एफ टू दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो एंगल है तो ये तो जरा थीटा ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं एंगल इज वेरिएबल वेरिएबल एंगल इज कुछ भी हो सकता है मैं जैसे यहां पे सपोज कर रहा हूं राइट और ये फोर्स एफ थ्री फोर्स एफ वन की लाइन ऑफ एक्शन का जो बीच का एंगल है वो है थीटा टू सो एज पर दी दी एज पर लैमिस थ्योरम राइट एज पर ये कहता है कि इफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट नॉन कोलेनियर फोर्सेस आर होल्डिंग अ बॉडी इन इक्विब्रियम राइट तो ये थ्री फोर्सेस बॉडी के प्लेन में इस तरह से बॉडी को इक्विब्रियम में होल्ड करके रखा है तो यदि ऐसा है तो इच फोर्स इच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन रिमाइनिंग टू फोर्सेस तो कोई भी यदि मैं पर्टिकुलर फोर्स की बात करूं सपोज कीजिए मैं पर्टिकुलर फोर्स की बात कर रहा हूं ये ये क्लियर बात ओके ये हुआ F1, राइट तो ये साइन एंगल प्रोपोर्शनल भैया एफ वन को एफ वन को छोड़ो बचा आपके पास एफ थ्री और एफ टू राइट तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा वन है तो इस एंगल किस साइन एंगल का क्या होगा बताइए तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा तो इस तरह से हर एक फोर्स के लिए बात करोगे तो एक इक्वेशन फॉर्म होगा एक इक्वेशन फॉर्म होगा राइट तो देखिए जरा है ना जस्ट होल्ड करके रखिएगा हम इस इक्वेशन को प्रूव भी करके दिखाएंगे आपको क्लियर है तो ये यदि मैं फोर्स f2 के लिए बात करूं तो रिमेनिंग टू फोर्सेस f1 और f3 राइट तो f1 दिस इज द f1 दिस इज द f3 दोनों के बीच का एंगल थीटा 2 है मतलब ये हुआ भैया sin थीटा 2 बिल्कुल क्लियर बात ना फिर यहां पे यदि मैं फिर से बात करता हूं एफ थ्री फोर्स के लिए तो ये रहा एफ थ्री फोर्स वन और एफ टू रिमाइनिंग टू बीच का एंगल है थीटा थी, समझ पा रहे हैं क्या बात को ओके तो इसके साइन एंगल की बात करें तो साइन थीटा थ्री तो इस तरह से इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म हुआ डियर एक इक्वेशन फॉर्म हुआ और इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या लैमिस इक्वेशन समझ पा रहे हैं लैमिस इक्वेशन और ये इक्वेशन कहां से आया एस पर दी लैमिस लैमिस थ्योरम थ्योरम इसको हम बोलेंगे लैमिस इक्वेशन ठीक है बिल्कुल सर तो सर ये इक्वेशन कैसे आया ये इक्वेशन कैसे आया है ना तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि लॉ ऑफ ट्राइंगल और जो लैमिस थ्योरम होते हैं टोटली डिफरेंट तो होते हैं लेकिन उसमें कुछ सिमिलरिटी होते हैं कुछ सिमिलरिटी होते हैं तो बताइए आप मेरे को जब मैं लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था भैया राइट तो वहां पे हम लोग है ना रिजल्ट इन फाइंड आउट करने की बात करते थे और रिजल्ट इन फाइंड आउट करने की बात करते थे तो वहां पे हमने कुछ इक्वेशन डिराइव किया हुआ था इक्वेशन डिराइव किया हुआ था कैसे एज पर दॉल एक ट्राइंगल ड्रॉ किए थे राइट right? और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम है ना लॉर्ड ट्राइंगल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन को ड्राइव किए थे एक इक्वेशन को ड्राइव किए थे समझ रहे हैं? और, और वहां पे एक रूल की बात किए थे एंड दैट रूल इज व्हाट? साइन रूल साइन रूल समझ पा रहे क्या बात को तो, तो ये वही साइन रूल से ही आया हुआ है क्लियर हो पा रहा है क्या बिल्कुल बिल्कुल तो अभी प्रूफ करता हूं मैं बने रहिएगा कहीं मत जाइएगा कहीं मत जाइएगा ओके आइए तो जरा तो लैमिस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है और ये लैमिस थ्योरम और भी कुछ बात करता है सर क्या बात करता है इस इक्विब्रियम के रिगार्डिंग ये देखो ये जो इक्विब्रियम की बात कर रहे हैं ना इक्विब्रियम की जो बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग क्लियर है क्या बात ओके तो आइए तो जरा ये रहा भैया है ना इक्विब्रियम के रिगार्डिंग जो लैमिस थ्योरम बात करता है वो ये बात करता है देखिए तो फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं क्या बात को तो यहां पे जो थ्री फोर्सेस की बात कर रहे थे वो बॉडी को होल्ड करके रखता है इन इक्विलिब्रियम ऐसे बात किए थे क्लियर है क्या बात तो उसी इक्विलिब्रियम को और भी डिफाइन किया लैमिस ने कैसे बॉडी इक्विब्रियम में हो उसके लिए फॉर बॉडी टू बी इक्विब्रियम इसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑल दिस थ्री फोर्सेस कौन सा फोर्सेस कोप्लेनर कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस ऑल दिस थ्री फोर्सेस टुगेदर फॉर्म अ ट्राइंगल इन दिस सेम ऑर्डर इन दिस सेम ऑर्डर यदि ऐसा है यदि ऐसा है तो वो बॉडी जिसमें ये थ्री कोप्लेनर कंकरेंट नॉन और नॉन जो एक्ट कर रहा है, को एक में कर वहां से हम इसको चेक करके देखते हैं इसको चेक करके देखते हैं आइए जरा ये था वो एग्जाम्पल क्लियर बात तो यहां पर इन थ्री फोर्सेस को हम इस तरह से बात करते हैं एसपर द ये तीनों फोर्सेस मिलके एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है और इसके साथ ही साथ वो सेम ऑर्डर पे है कि नहीं यदि ऐसा है तभी हम बोल पाएंगे कि ये तीनों फोर्सेस जो कोप्लेनर कंकरेंट और नॉन कोलोनियर है ये बॉडी को इक्विब्रियम में होल्ड करके रखेगा इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर तो देखिए तो जरा मैं बात करता हूं यहां पे है ना देखिए डियर ये ओके okay. चलिए तो जब मैं इन थ्री फोर्सेस को है ना एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करता हूं तो आपको पता है भैया आपको पता है कि हम फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं विथ एरो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर इन मैनर ऑफ वेक्टर ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल तो देखिए ये रहा भैया आपके पास फोर्स एफ वन ये रहा फोर्स एफ वन ये देखिए ये फोर्स एफ वन हुआ ये force F2, force F3. तीनों बात करेंगे चलिए मैं स्टार्ट करता हूं F2 से. तो इस तरह से क्या फोर्स एफ टू जो है बिल्कुल ऐसा ही तो है फोर्स एफ टू जो है ऐसा ही तो है ये देखिए इस तरह से लाइक दिस फोर्स एफ टू हुआ क्लियर है ओके बिल्कुल ये हो गया फोर्स एफ टू राइट देन फोर्स F3 तो फोर्स F3 जैसा आप देख पा रहे हैं इसी के पैलर मैं बात करूंगा यहाँ पे ऐसी बात करते हैं में याद कीजिए क्लियर है कुछ सिमिलरिटी आपको समझ में आएगा यहां से राइट लेकिन कैसा बात करेंगे सेम ऑर्डर तो सेम ऑर्डर का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं तो ये रहा भैया आपके पास फोर्स एफ थ्री फोर्स एफ थ्री इसी तरह से है क्या बिल्कुल ये फोर्स एफ थ्री हुआ लाइक like दिस बिल्कुल करेक्ट बात है। ना जैसा फोर्स एफ थ्री है जैसा फोर्स एफ टू है इसके लाइन ऑफ एक्शन जैसा भी है उसी के पैलल ही मैं बात कर रहा हूं वो भी कैसा सेम ऑर्डर पे कैसा बात कर रहा हूं बताइए तो सेम ऑर्डर पे देख पाएंगे आप सेम ऑर्डर मतलब हेड टू टेल जॉइन होना चाहिए हेड टू टेल जॉइन होना चाहिए एक फोर्स का हेड दूसरे फोर्स के टेल से जॉइंट होना चाहिए तो देखिए तो किए कि नहीं किए बिल्कुल और जिसका दो डायरेक्शन है जैसा है वैसा है तभी तो हम बात किए ना सेम ऑर्डर ओके फाइन तो f1 फोर्स इस तरह से है राइट right, तो सेम ऑर्डर में बात करेंगे तो यहां से बात करना होगा मेरे को बिल्कुल सर यहीं से तो बात करेंगे देखिएगा ये इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे डियर यहां से इस इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे ये रहा आपके पास क्या फोर्स एफ वन है ना ये रहा फोर्स एफ वन क्लियर हुई क्या बात बताइए ये हुआ फोर्स एफ वन राइट तो यहां पे आप देख पाए एक ट्रायंगल को फॉर्म किया ये थ्री कोप्लेनर कंकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्सेस समझ रहे हैं और कैसा फॉर्म किया इन दिस सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर देखो ऐसा इस तरह से चल रहा है लाइक like दिस लेकिन याद कीजिए आप हम जब लॉफ ट्रायंगल की बात किए थे तो टू कंकरेंट फोर्स की बात किए जिसको ट्रायंगल के दो साइड में रिप्रेजेंट किए सेम ऑर्डर पे उसके बाद थर्ड साइड जो होता था वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता था बट इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन तो हालांकि वहां पर भी हम थ्री फोर्सेस की बात किए टू अप्लाइड फोर्सेस और थर्ड वाला कौन सा होता था उन दोनों अप्लाइड फोर्सेस का रिजल्ट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बात करते थे अपोजिट सेंस में बात करते थे अपोजिट ऑर्डर में बात करते थे सेम ऑर्डर पे बात नहीं होता था वहां पे तीनों फोर्सेस टू अप्लाइड और वन रिजल्ट होता था क्या बिल्कुल नहीं होता था यदि आप आप लॉ ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर बिल्कुल देखे होंगे तो आपको हो, आपको ये बात

क्लियर है तो तो ये ना ये आ, थ्री फोर्सेस आपस में मिलके एक ट्रायंगल को फॉर्म कर दो भी कैसा सेम ऑर्डर पे सेम ऑर्डर पे तो इस तरह से इस तरह से सेम ऑर्डर पे ट्रायंगल को फॉर्म करेगा तो वो इस बात की इंफॉर्मेशन देगा इस बात की इंफॉर्मेशन देगा डियर आपको कि कि जो बॉडी है जिसमें ये थ्री को कंकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट कर रहा है है ना इस बॉडी को इक्विब्रियम में होल्ड करके रखेगा मतलब बॉडी इक्विब्रियम में होगा और जब बॉडी इक्विब्रियम में है तो आप बताइए मेरे को आप बताइए कि कि बॉडी इक्विब्रियम में है तो बॉडी में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो भी इक्विब्रियम में होगा क्या समझाया था मैं कल के लेक्चर में राइट तो आप आप इन थ्री ियर फोर्सेस को इक्विब्रियम फोर्सेस भी बोल सकते हो इक्विब्रियम फोर्सेस भी बोल सकते हो जब ये तीनों फोर्सेस आपस में मिलके एक ट्राइंगल को फॉर्म करे कैसे सेम ऑर्डर पे सेम ऑर्डर पे सेम ऑर्डर पे इज क्लियर इज दैट क्लियर डियर बिल्कुल सर बिल्कुल समझ तो आ रहा है तो सर इस इक्वेशन को प्रूफ करिए इस इक्वेशन को आप प्रूफ करिए तो आइए डियर करते हैं देखिए तो जरा ये चलिए में ना मैं एंगल की बात करूंगा क्या बात करूंगा एंगल की बात करूंगा ओके तो जो एंगल मैं यहां पे बात किया हूं वही एंगल इधर भी बात करूंगा क्लियर है बात तो वेरी केयरफुली वेरी केयरफुली ओके देखिए तो मैं आ, ये देखो ये F2 फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को इस तरह से आगे एक्सटेंड करता हूं राइट right? के लाइन फोर्स एक्शन को इस तरह से आगे ऐसा एक्सटेंड करता हूं क्लियर हुई बात ओके okay? और मैं इसको ना ऐसा बात कर देता हूं इस तरह से डॉटेड लाइन समझ पा रहे हैं क्या बात को क्लियर है ओके okay? तो देखिए तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल की बताइए एंगल की बात कर रहा हूं भैया तो एंगल जैसे मैं बात करता हूं थीटा वन तो थीटा वन F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दोनों की बीच का एंगल है है बिल्कुल तो तो यही बात बात किया के के लिए ऐसा। और F2 के लिए ऐसा ऐसा और ये जो वन एंगल होगा क्लियर है बात ओके ये ये वाला होगा क्या डियर आप फील कर पाओगे ये ये वाला होगा क्लियर दिस विल बी थीटा वन दिस विल बी थीटा वन देखिए मैंने कुछ किया कि जस्ट पहला तो बात किया है जी ये देखो एफ थ्री और ये एफ टू एफ थ्री और ये एफ टू क्लियर है बात तो यही एंगल तो है ना थीटा कुछ डिफरेंट बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सिमिलरली फोर्स एफ वन फोर्स एफ थ्री का लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल थीटा टू है तो बताइए जरा ये रहा भैया एफ थ्री और ये एफ वन क्लियर है बात ओके okay, जस्ट पैरेलल यहां पे लिया था मैंने तो ये एंगल यही वाला है क्या जिसको मैं बोल रहा हूं क्या पे थीटा बिल्कुल ये है थीटा ओके सर फाइन तो सर यहां लिए जो एंगल थीटा थ्री थी बात कर रहे हैं तो क्या यहां पर भी हम थीटा थ्री बोलेंगे क्या ऐसा बिल्कुल डियर ऐसे ही तो बात करेंगे कोई डिफरेंट बात कोई ना हो रही है जिस एंगल को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कहां पे जहां पे मैं ट्राइंगल की बात किया हूं, इन इन द द सेम सेम ऑर्डर ऑर्डर ओके okay, फाइन बिल्कुल तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां का एंगल क्या होगा और यहां का एंगल क्या होगा और यहां का एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या बताएगा आपको ये ट्राइंगल फॉर्म होना डियर सपोज मैं बोलता हूं इसको क्या बताइए जरा इसको बोलता हूं ए इसके को जी इसको बोलता हूं बैया बी इस तरह से और इसको बोलता हूं मैं सी ठीक है तो ये इंटरनल एंगल्स होते हैं कि नहीं होते हैं बिल्कुल सर सही तो बोल रहे हैं। इंटरनल एंगल्स तो होते हैं तो बताइए हियर हियर टू जैसे मैं बात करता हूं हियर टू हियर कितना एंगल होगा तो आप बोलेंगे वन एट्टी डिग्री तो मेरे को चाहिए हियर टू ही में इस थीटा थ्री को आप रिमूव करो तो ये एंगल नहीं मिल जाएगा जी बिल्कुल सर सही तो बोल रहे हैं बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं तो बताइए मैं क्या बात करूंगा मैं इस इस 180 में इस थीटा थ्री को रिमूव करूंगा मतलब माइनस करूंगा तो यहां पे जो एंगल की बात करूंगा भैया ये 180 एट्टी माइनस बताइए तो थीटा थ्री बिल्कुल करेक्ट बात तो सर यहां पर भी हम ऐसी बात करेंगे क्या हियर टू हियर 180 एट्टी तो इस थीटा वन को रिमूव करूंगा तो यहाँ एंगल मिल जाएगा तो हम भी यहाँ है ना हम यहाँ पर भी ऐसा ही बात करेंगे डियर 180 माइनस थीटा बताइए तो वन थीटा वन ओके फाइन तो यहाँ पे बात करेंगे तो भैया हियर टू हियर टोटल 180 एट्टी हियर टू हियर इन दिस थीटा टू को आप रिमूव करेंगे माइनस करेंगे 180 में तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा जो कि इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल होंगे इस तरह से लाइक like दिस तो आप बोलेंगे वन माइनस थीटा टू यस ऐसा ही तो बोलेंगे सर ऐसा ही तो बोलेंगे सही तो बोल रहे हैं ओके okay, डिफरेंट बात भी ना कर रहे तो होता है ऐसा ऐसा तो होता है बिल्कुल अब अब यहां पे मैं बात करूंगा क्या बताइए तो साइन रूल की बात करूंगा क्या बात करूंगा डियर साइन रूल की बात करूंगा ओके पर दी साइन रूल एस पर द साइन रूल तो साइन रूल हम बात करेंगे किसमें इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में तो आ, क्या बोलते हैं भैया कि इच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन टू रिमेनिंग साइड ऐसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं तो ये बात तो हम ऑलरेडी प्रूफ करके रखे हैं जी ये बात तो हम ऑलरेडी प्रूफ करके रखे हुए हैं तो कैसे बोलते थे बताइए यदि मैं बात करता हूं साइड ए बी के लिए तो हम बिल्कुल प्रूफ करके रखे हुए थे कि कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी साइन तो वो कांस्टेंट है ना आ, फिर हम इक्वेशन फॉर्म किए थे इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री जिसमें कांस्टेंट दिखा फिर फिर उसके बाद इसको इक्वल कर देते थे तो क्या मिलता था भैया आपको कि बताइए तो जरा ये मिल रहा था ए बी डिवाइडेड बाय ये हुआ ए बी डिवाइडेड बाय मैं बात करूंगा बी सी और सी ए की बीच का एंगल मतलब मैं बात करूंगा कैसा साइन एंगल तो साइन बोलिए क्या होगा वन एट्टी माइनस थीटा टू इस तरह से हम बात कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं बिया क्लियर है बात ओके और यदि मैं बीसी की बात करूं बीसी साइड क्लियर है ओके तो बीसी ये रहा तो इनके और इनके बीच का जो एंगल है बिया मतलब इस क्या क्या ए सी और ए बी तो वन एट्टी माइनस थीटा से साइन एंगल की बात करूंगा वन एट्टी माइनस थीटा थ्री ओके फाइन समझ पा रहे हैं क्या बात को बताइए ओके okay? बिल्कुल बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं ना अब सी ए की बात करूं तो ये राह यहां पर सी ए बताइए ये रहा सी ए तो बी सी और ए इन दोनों के बीच का जो एंगल उसका साइन एंगल बात करूंगा बताइए क्या होगा 180 एट्टी माइनस थीटा वन यस थीटा बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल के रखा हुआ था भैया कि मैं लॉक ट्राइंगल में जो भी तो इस तरह की बात मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूँ जी इस तरह की बात मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूं क्लियर है बात ओके तो ये जो ए बी साइड है बी सी साइड है सी ए साइड है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा ना भाई फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा ना बिल्कुल तो ab मतलब क्या f2 ab मतलब क्या बताइए f2 डिवाइडेड बाय sin 180 minus theta 2 की बात करूंगा मतलब क्या होता है बताइए sin 180 minus theta तो बोले तो sin theta तो यहां पे मैं बोल पाऊंगा sin theta 2 बिल्कुल ये हो जाएगा f bc क्या है बताइए bc f3 है तो ये f3 फिर sin theta थ्री बिल्कुल क्लियर बात देन सी ए आई थिंक एफ वन है है ना ये सी ए क्या हुआ एफ वन हुआ बिल्कुल तो साइन 180 माइनस थीटा वन की बात करूं तो बताइए तो साइन थीटा वन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताइए बिल्कुल ऐसा ही तो आएगा बिल्कुल ऐसा ही तो आएगा ओके तो इसको मैं यदि अरेंज करके बात करूं इसको यदि मैं अरेंज करके बात करूं तो कैसा बात कर पाऊंगा बताइए थोड़ी है ना ये

थ्री। क्लियर है ओके तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आप, यदि नहीं देखे तो आप ना जरूर देख लीजिएगा डियर पहले क्योंकि वहां पे मैं फुल्ली कॉन्सेप्ट की बात किया हूँ इन इक्वेश को डिराइव किया हूं ऑलरेडी मतलब साइन रूल मैंने समझा के रखा हुआ है समझ पा रहे हैं क्या बात को ओके तो और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे वही वही, वही बात है ना बार बार बताऊंगा जी ओके तो जो डिफरेंट बात है वही बता रहा हूं और प्रूफ कर रहा हूं क्या करूं बताइए कर रहा मैं ओके तो ये इक्वेशन की जो बात किए थे जो लेमिस की बात किए थे डियर एस पर दफ वन डिवाइडेड बाई थीटा थ्री तो बताइए आप मेरे को ये प्रूफ कर पाए कि नहीं कर पाए ये प्रूफ कर पाए कि नहीं कर पाए और कंडीशन में प्रूफ कर पाए हैं कि ये थ्री फोर्सेस कैसा हो कोप्लेनर हो, कंकरेंट हो नॉन कोलिनियर हो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन समझ रहे हैं और साथ ही साथ ये थ्री फोर्सेस एक ट्राइंगल को फॉर्म किए सभी मिलके एक को फॉर्म भी कैसा सेम ऑर्डर पे बताइए तो सेम ऑर्डर पे फॉर्म किए भैया अगेन रिपीट सेम ऑर्डर राइट ये सेम ऑर्डर पे है समझ रहे हैं बात को तब आप बात किए क्या साइन रूल किसके लिए ट्रैंगल के लिए राइट right? तो ये आपको प्रूफ होता है भैया ये आपको प्रूफ होता है ये इक्वेशन आपको प्रूफ हो जाता है समझ रहे हैं बात को क्लियर हो रहा है बिल्कुल सर बिल्कुल समझ गया तो इस इक्वेशंस को आप डायरेक्ट यूज करेंगे प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझ रहे हैं ओके और जो भी अननोन वैल्यू रहेगा अननोन फोर्स की वैल्यू रहेगा उसको फाइंड आउट कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है पता है इन थ्री फोर्सेस में आपको भी सपोज कीजिए एफ वन की वैल्यू गिवन है एफ टू की वैल्यू गिवन है समझ रहे हैं क्या बात को ओके तो बताइए F3 की वैल्यू क्या होगा और साथ ही साथ इन एंगल्स का भी कुछ कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा मतलब एंगल्स की वैल्यू भी आपको गिवन रहेगा तो ऐसे अननोन फोर्स की वैल्यू आपको बताना रहेगा समझ रहे हैं क्या बात को क्लियर है तो आप आप नहीं बता पाएंगे जी बिल्कुल बता पाएंगे क्या करेंगे आप दो दो टर्म्स का एक एक इक्वेशन बना लीजिए राइट और जो भी जो भी आपको अननोन फाइंड आउट करना है उन इक्वेशन से आउट कर लीजिएगा तो है, है है है, तो 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 लैमिस लैमिस और को को करके, ना, जब आप problems को solve करने जाएंगे, clear है? तो आपको पता है लैमिस इक्वेशन क्या होता है आपको पता है लैमिस थ्योरम का concept क्या है, राइट right? लेकिन मोस्ट ऑफ मिस्टेक होता है लैमिस को लिखने में समझ रहे हैं मोस्ट ऑफ ये कंफ्यूज में रहते हैं कि लैमिस इक्वेशंस को है ना सही तरह से कैसे लिखें इस बात को लेके सर मतलब तो मतलब तो ये भी कि जब आप ना एंगल्स की बात करते हैं इन इक्वेशंस में एंगल्स की बात करते हैं तो आप एंगल्स को ना सही तरह से मेजर नहीं कर पाते हैं मतलब कौन से एंगल की बात करना चाहिए इज दैट क्लियर जैसे कि मैं यहां पे बात करूं F1 फोर्स के लिए मैं थीटा वन एंगल की बात किया ये देखो F1 फोर्स है ये तो थीटा वन एंगल की बात की बात इसको मैं प्रूफ भी कर दिया हूं इधर लेकिन आप ऐसे प्रूफ ना करते बैठते रहोगे बताओ एग्जाम में ऐसा बार बार थोड़ी ना प्रूफ करोगे जब भी लिखने जाओगे तो ऐसा नहीं करोगे आपको आपको है ना बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि यदि एफ वन फोर्स की बात करूं तो मेरे को एफ थ्री और एफ टू के बीच का एंगल की बात करना होगा एफ टू और एफ थ्री के बीच का एंगल की बात करना होगा तो यहां पे F3 और F2 की एंगल की, की बात करेंगे तो मैं लिया ये थीटा वन एंगल को। तो बताइए, ये वाला एंगल भी तो, तो राइट जो कि क्या होगा थीटा टू प्लस थीटा थ्री होगा थीटा टू प्लस थीटा थ्री होगा ये देखो यहां से राइट right. तो मैंने ये थीटा वन थीटा वन का बात किया क्लियर ये वाला बात करूंगा तो क्या हो जाएगा थीटा टू प्लस थीटा थीटा, थीटा थी हो जाएगा थीटा टू प्लस थीटा थ्री थी हो जाएगा राइट right. तो इस इक्वेशन में एफ वन फोर्स के लिए थीटा वन ही लिए हैं ऐसा कैसे पहचानेंगे सर हम लोग ऐसा कैसे पहचानेंगे तो यहां पे बात होती क्या क्या बात होती है आउटवर्ड इनवर्ड की इन फोर्सेस को थ्री कोप्लेनर कंकरेंट नॉन कोलर फोर्सेस को आप या तो आउटवर्ड में बात करो या तो इनवर्ड में बात करो फिर लैमिस इक्वेशन को लिखो राइट तो जैसे मैं यहां पे बात किया हूं ये क्या पता है कि आउटवर्ड की बात किया हूं आउटवर्ड सर आउटवर्ड का मतलब तो आउटवर्ड का मतलब ये होगा कि एफ वन एफ टू क्लियर है एफ थ्री राइट right. एक ऐसा है आर अवे आर अवे फ्रॉम पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉइंट है समझ रहे हैं क्या बात को जिस पॉइंट पे ये तीनों फोर्सेस एक कर रहे हैं राइट ये अवे फ्रॉम है कैसा है ये दूर जाता हुआ देखो अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम ऐसा ऐसा है यहां पे मैं लिया हूं राइट तो इनवर्ट भी बात कर सकते हो आप सभी फोर्सेस सर इनवर्ट कैसे बात करेंगे तो इनवर्ट कैसे बात करोगे भैया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स फोर्स पता कि नहीं तो को उसी के लाइन ऑफ एक्शन में आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो उसी के लाइन ऑफ एक्शन में क्लियर है एफ थ्री फोर्स को आप चाहो तो ऐसा यहां पे शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते एफ थ्री फोर्स को आप चाहो तो ऐसा यहां पे शिफ्ट कर सकते हो ना डियर इस तरह से इसी के लाइन ऑफ एक्शन में दिस इज दी आप चाहो तो इसी को ऐसा शिफ्ट कर सकते दिस इज द एफ2 क्लियर है आप चाहो तो इसको एफ1 ऐसा शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस दिस ये है एफ1 तो बताइए ये, ये कैसा हो गया इनवर्ड हो गया भैया ये कैसा हो गया इनवर्ड हो गया टुवर्ड्स द पॉइंट हो गया कैसा हो गया टुवर्ड द पॉइंट इसको बोलते हम इनवर्ड इसको क्या बोलेंगे इनवर्ड क्लियर बात तो इनवर्ड का मतलब क्या होगा इनवर्ड वेरी केयरफुली इनवर्ट का मतलब ये होगा क्या कि एफ वन एफ टू एफ थ्री ये कैसा होगा एफ वन एफ टू एफ थ्री राइट आर टूवर्ड्स आर टूवर्ड्स दिप पॉइंट

दो फोर्सेस के बीच की एंगल भी मेजर कर डालो एफ वन एफ टू के बीच एफ टू एफ थ्री के बीच एफ थ्री एफ वन के बीच इस तरह से तो एज पर गिवन डाटा इन प्रॉब्लम आप एंगल को मेजर कर डालेंगे समझ रहे हैं क्या बात को जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तो आप एंगल को मेजर करना सीख जाएंगे राइट लेकिन इक्वेशंस को कैसे लिखना है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए प्रॉपर पता होना चाहिए तभी थ्योरम का कंसेप्ट आपके पास है वो काम का है लैमिस इक्वेशन का कंसेप्ट आपके पास है वो काम का है कब जब आप इक्वेशन को सही तरह से लिखते हैं तो ओके बिल्कुल सर बिल्कुल तो यहां पे हम कैसे बात करेंगे कैसे बात करेंगे कि सपोज मैं एफ वन के लिए बात किया सपोज मैं एफ वन के लिए बात किया यहाँ पे क्लियर है ये देखो एफ वन के लिए तो थीटा वन भी पॉसिबल है एफ टू और एफ थ्री फोर्स के बीच के एंगल थीटा वन भी पॉसिबल है और आउटवर्ड में बात किया हूं ना मैं आउटवर्ड में आउटवर्ड में बात किया था ना क्लियर है आउटवर्ड इनवर्ड के मीनिंग समझ में आ गया लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आउटवर्ड में क्लियर इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो एफ वन फोर्स के लिए मैं थीटा वन एंगल को ही क्यों लिया यहाँ पे मैं चाहता तो F1 के लिए थीटा टू थीटा थ्री एंगल की बात कर सकता था क्योंकि क्योंकि ये भी तो थीटा टू प्लस थ्री थीटा थीटा थी जो एंगल बोल रहा हूं ये थ्री और एफ टू के बीच का एंगल तो है एंगल बिटवीन साइन एंगल बिटवीन टू फोर्सेस समझ पा रहे हैं क्या टू तो रिमाइनिंग फोर्सेज एफ थ्री एफ टू इन दोनों के बीच का साइन एंगल बात कर रहा हूं मैं थीटा वन राइट तो ये थीटा टू प्लस थ्री थी भी तो पॉसिबल हो सकता है ना डियर तो मैं थीटा टू प्लस थ्री थी को क्यों नहीं बात किया क्यों नहीं बात किया तो ये समझना इंपॉर्टेंट है तो पहला काम आप आउटवर्ड में बात करो इनवर्ड में बात करो कर लिया एंगल को मेजर कर डाला राइट फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा काम होगा है ना वो इस इक्वेशन को लिखने का काम होगा तो मेरे को ये ध्यान देना होगा मेरे को ये ध्यान देना होगा जिस भी पर्टिकुलर फोर्स के लिए आप बात करोगे राइट तो जैसा आपने बात किया हुआ आउटवर्ड आउटवर्ड बात किया राइट तो उस पर्टिकुलर फोर्स के लिए एंगल की बात करने जाओगे बिटवीन टू रिमेनिंग फोर्सेज साइन एंगल की क्लियर है तो वो जो एंगल होगा जिसकी आप बात करोगे वो एंगल वो एंगल उस पर्टिकुलर फोर्स के वेक्टर को कट नहीं करना चाहिए कट नहीं करना चाहिए तो यहां पे जो थीटा टू थीटा थ्री जो एंगल बात कर रहे हो रिमेनिंग टू फोर्सेस के लिए एफ टू एफ थ्री क्लियर है ये यह ना यहां पे कट कर दे रहा है बताइए तो जरा कट कर दे रहा है ये देखो कट कर दे रहा है तो इस एंगल की बात नहीं किया मैं मैं बात किया क्या इस थीटा एंगल की बात कर रहा हूं जो देखो एफ वन के तो आ, जो वेक्टर है फोर्स वेक्टर है है इसके लिए समझ रहे हैं ये इसको नहीं करेगा क्योंकि तो ऐसा ना आउटवर्ड बात किया ना भाई तो इस तरह से इस तरह से एफ टू के लिए बात किया मैं क्या एफ टू के लिए ठीक इस तरह से मैं एफ थ्री के लिए बात किया तो एफ टू के लिए बात किया तो थीटा थी एंगल मैं बात किया क्लियर है बात कहा है ये एफ टू आउटवर्ड में तो थीटा टू बात किया तो थीटा वन प्लस थ्री थीटा 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 थी भी तो हो सकता था थीटा थीटा, थीटा थी भी हो सकता था लेकिन ये कट कर देता ये ना डियर कट कर देता समझ रहे हैं बात को? Like this. इस तरह से मैं बात करता ये क्लियर है फिर से देखता हूं मैं ये ये वाला एक तो ये वाला एंगल पॉसिबल है F2 के के जी और दूसरा कौन सा ये वाला पॉसिबल है

थीटा थ्री क्लियर है तो थीटा वन प्लस थीटा थ्री ये भी पॉसिबल हो सकता था ये ये तो पॉसिबल है तो हमने बात किया क्या थीटा टू को क्यों क्योंकि ये थीटा वन प्लस थीटा थ्री जो एंगल है रिमेनिंग टू फोर्सेस एफ वन और एफ थ्री के बीच क्लियर है ओके ये ना एफ टू फोर्स जो पर्टिकुलर फोर्स बात कर रहे हो एफ टू फोर्स इसके लाइन ऑफ एक्शन को क्या कर दे रहा है कट कर दे रहा है कट कर दे रहा है तो ऐसे एंगल की बात नहीं करेंगे ये वाला एंगल की बात करेंगे। कौन सा एंगल ये वाला एंगल इस तरह से क्लियर है साइन एंगल ठीक है सिमिलरली बात करते हैं तो ऐसे इनवर्ड और आउटवर्ड की बात करेंगे पहले उसके बाद आप को लिखने जाएंगे इज दट क्लियर तो मैं हमेशा थ्रू आउट प्रॉब्लम थ्रू आउट दी प्रॉब्लम थ्रू आउट द चैप्टर हमेशा जब भी लैमिस इक्वेशन की बात करूंगा लैमिस की बात करूंगा तो बताइए मैं हमेशा आउटवर्ड को प्रीफर करूंगा आउटवर्ड को प्रीफर करूंगा डियर आउटवर्ड को ध्यान रहे ऑलवेज ऑलवेज क्लियर है प्रीफर आ रही बात समझ में तो ये कंसेप्ट क्लियर है ये कंसेप्ट क्लियर क्या बताइए का बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ मैं और बात करता हूं आइए तो ओके तो ये रहा आपके पास क्या देखिए तो कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं जो आपको ध्यान में रखना है है ना प्रॉब्लम इस तरह से क्लियर है कोप्लेनर कंकरेंट नॉन कोलिनियर क्लियर है ये रहा भैया आपके पास क्या अभी जस्ट बात किया वही है फोर्स सेफ वन ये फोर्स सेफ टू फोर्स एफ थ्री बिल्कुल क्लियर बात इसको मैं बोला अल्फा इसको मैं बोला बीटा इसको मैं बोला गामा right कैसा है पॉइंट के अवे फ्रॉम है मतलब ये कैसा आउटवर्ड बात कर रहा हूं मैं आउटवर्ड क्लियर है बिल्कुल तो इसके लिए मैं बात करता हूं तो अभी जो कंसेप्ट मैं अब इसको समाप्त करता हूं मैं क्लियर है जो कंसेप्ट क्लियर इक्वेशन लिखने जाऊंगा राइट right? तो कैसे बात करूंगा एफ वन फोर्स के लिए बात किया एफ वन फोर्स के लिए एंगल की बात करूंगा तो कौन कौन सा पॉसिबल होगा राइट एफ टू फोर्स के लिए एंगल की बात करूंगा साइन एंगल बात करेंगे ना क्लियर है फिर मैं बात करूंगा F3 फोर्स के लिए वेरी क्लियर होना चाहिए देखिए तो F1 के लिए बात करूंगा भैया तो बताइए F1 के लिए अल्फा एंगल पॉसिबल आप देख पा रहे होंगे समझ रहे हैं बिटवीन टू रिमेनिंग फोर्सेस है ना साइन एंगल बिटवीन टू रिमेनिंग फोर्सेस तो अल्फा दिख रहे हैं क्या बताइए F1 के लिए बिल्कुल F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा और आप देख पा रहे होंगे ये वाला भी एंगल मतलब एक तो ये दिखा एक तो ये दिखा और एक ये सॉरी एक ये वाला दिखा क्लियर है तो यहां बोलूंगा क्या बीटा प्लस गामा बिल्कुल सही बात बिल्कुल ना। और ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह मैं बात करूं क्या एफ टू के लिए ये एफ टू फोर्स हुआ है ना तो F3 और F1 बीच के बीच का एंगल बात करूंगा ये बीटा क्लियर है और पॉसिबल हो सकता है क्या F3 और F1 के बीच अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, बिल्कुल। सिमिलरली F3 के लिए बात करेंगे तो ये गामा क्लियर है फिर अल्फा प्लस बीटा इस तरह से एंगल पॉसिबल है ठीक है बिल्कुल एकदम क्लियर कर रहा हूं डियर मैं राइट ये कंसेप्ट क्लियर है ठीक है फाइन लेकिन आपको लिखना आना चाहिए इक्वेशन ओके तो F2 के लिए बात किया तो इसको भी बता देता हूं मैं ना, ये ये रहा आपके पास बीटा, और मैं बोल सकता हूं क्या इस तरह से, ये वाला बीटा सॉरी अल्फा प्लस गामा बीट, ये हुआ एफ टू के लिए और डिफरेंट कलर में और बात कर लेता हूँ क्या एफ थ्री के लिए बात करें एफ थ्री के लिए यह एफ थ्री हुआ तो एक तो पॉसिबल हुआ भैया ये गामा वाला कि गामा वाला राइट ये देखो गामा और एक पॉसिबल कौन सा होगा एफ3 के लिए बात कर रहा हूं तो ये वाला कौन सा एफ2 और एफ1 के बीच का एंगल ना ये देखो ये वाला आएगा समझ रहे हैं क्या बात को क्लियर तो मैं अभी रिप्रेजेंट किया हूँ आउटवर्ड में राइट right? तो इनवर्ड में अब बात कर सकते हैं मैं क्लियर कर दिया हूँ कैसे बात करना है क्लियर ओके okay? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा एंगल कट करेगा उसको नहीं लेंगे ऐसा आपको चेक करना है ठीक तो चलिए यहां पे मैं बात करता हूं F1 वन डिवाइडेड बाई साइन इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई साइन इक्वल्स टू एफ थ्री डिवाइडेड बाई साइन तो एफ वन डिवाइडेड बाई साइन बोल रहा हूं तो साइन एंगल बात करूंगा एफ टू और एफ थ्री के बीच का क्लियर बात एफ टू और एफ थ्री के बीच का तो एफ टू और एफ थ्री के बीच का एंगल देखेंगे तो ये अल्फा भी है बीटा प्लस गामा है तो ये क्या कर दे रहा है बीटा प्लस गामा वाला ये कट कर दे रहा है बीटा प्लस गामा वाला कट कर दे रहा है डियर ये देखो समझ पा रहे हैं क्या बात को कट कर दे रहा है तो मैं कौन से एंगल की बात करूंगा अल्फा वाले एंगल की बात करूंगा समझ रहे हैं क्या बात को ये क्या कर दे रहा है बताइए कट कर दे रहा है ये कट कर दे रहा है तो मैं ये एंगल की बात करूंगा बिल्कुल सही बात तो ये हो गया अल्फा ये क्या हो गया अल्फा बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं बिल्कुल सर F2 के लिए बात करें तो ये F2 हुआ एफ थ्री एफ वन के बीच क्या देखो बीटा हो सकता है या तो अल्फा प्लस गामा तो अल्फा प्लस गामा वाला कट कर देगा, कट कर कर देगा देगा एफ टू के वेक्टर को एफ टू फोर्स के एरो जैसा हम रिप्रेजेंट किया आउटवर्ड में तो कौन सा वाला ये ये कट कर देगा अल्फा प्लस गामा तो इसको तो बात नहीं करेंगे अपन इसको तो बात नहीं करेंगे तो बात करेंगे किसको सर ये इसको करेंगे बिल्कुल सही बात तो बताइए ये इसको बात करेंगे बीटा को ये बीटा को तो सर यहां बीटा हो जाएगा क्या साइन बीटा यस डियर यस ऐसा ही तो बात करेंगे बिल्कुल f3 के लिए बात करेंगे f3 के लिए तो गामा देखो f3 4 रिमेनिंग 2 4 से f2 f तो ये गामा ये वाला एंगल है और एक हो सकता है अल्फा प्लस बीटा क्लियर है ये देखो, ये देखो ब्लू से बताया था अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा तो कट कर दे रहा है आप देख पाएंगे ये देखो कट कर दे रहा है ना अल्फा प्लस बीटा कट कर दे रहा है मतलब मैं इसकी बात नहीं करूंगा करूंगा गामा की बात इस तरह से एस सिंपल एस और बताओ और बताओ राइट इससे और इससे और आसान वे में और कैसे बता सकता हूं मैं आपको क्लियर है समझ रहे हैं क्या बात को राइट तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जिस फोर्स की बात करें उसके अपोजिट वाले एंगल को अपोजिट का मतलब ऐसा नहीं होता है भैया कई बार फंस जाओगे आप कई बार फंस जाओगे क्लियर है समझ रहे हैं क्या बात को तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि आउटवर्ड में मैं जैसा हमेशा प्रीफर करूंगा आपको आउटवर्ड में लाना आ जाएगा कभी-कभी ऐसा होगा कि टू फोर्सेस इनवर्ड बात हो रहा है तो शिफ्ट कर दो आउटवर्ड में बदल जाएगा पूरा अब एंगल एज पर दी गिवन डाटा इन प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर पा लेंगे मेजर कर पा लेंगे क्लियर है ओके तो इस तरह से आप लिख पाएंगे राइट तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि आउट जैसा आप रिप्रेजेंट किए हो आउटवर्ड हो इनवर्ड हो जैसा आप कर लेकिन मैं तो आउटवर्ड करता हूं हमेशा राइट right? फोर्स जिस फोर्स के लिए बात करोगे जिस पर्टिकुलर फोर्स के लिए बात करोगे साइन एंगल बिटवीन टू मनी फोर्सेस तो ऐसे एंगल को प्रीफर करना है कि उस पर्टिकुलर फोर्स के वैक्टर को एरियो को कट नहीं करना चाहिए दो एंगल पॉसिबिलिटी होते हैं ऐसा दो एंगल देखो तो आप देख पाएंगे इसमें पूरा फिल कर पाएंगे आप इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर डियर ओके तो कभी कभी इस तरह से भी बात होगी देखना मैं बात कर रहा हूं क्या ये रहा भैया फोर्स कोई फोर्स है देखिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को अपन है ना निचोड़ डालेंगे डियर इसका ये रहा भैया फोर्स F1. वन क्लियर है ये रहा भैया क्या आपके पास फोर्स एफ टू इज द्लियर और ये रहा फोर्स एफ थ्री ओके तो ऐसे से आपको है. Right? हो सकता था फोर्स F3 यहां कहीं भी इस तरह से होता लाइक like दिस ये फोर्स एफ थ्री और फोर्स एफ फोन एफ टू ऐसा होता है right? राइट तो इसी के लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट कर देते आंकोड़े बदल जाते जी समझ रहे हैं को? तो ऐसे शिफ्ट करना भी आपको क्लियर है ओके okay? तो आप एंगल को फाइंड आउट करो एंगल को फाइंड आउट करो ऐसे आउटवर्ड में रिप्रेजेंट करने के बाद तो एंगल F1 के लिए बात करें तो दो फोर्सेस के बीच का एंगल ये वाला सपोज इसको बोल दिया आपने ये थीटा हुआ राइट F2 के लिए बात किए तो ये एंगल फाइंड आउट कर लिया आप थीटा टू बिल्कुल F3 के लिए बात किए करें तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया आप थीटा बताइए तो जरा थ्री बिल्कुल तो इसमें लाइमिस इक्वेशन लिखना है भैया लाइमिस इक्वेशन तो लिख पाएंगे क्या बताइए तो लिख पाएंगे के लिए बात करूं तो यहां पे आपके पास दो तरह के एंगल पॉसिबल है एक तो पॉसिबल है ठीटा टू है। है प्लस थीटा थ्री समझ पा रहे क्या बात को क्लियर है ओके ये थीटा वन भी पॉसिबल है ये थीटा वन भी पॉसिबल है और ये ये वाला वाला तो 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 बताइए की बात बात कर कट देगा मैं बोलूंगा देखो, मैं मैं क्या कैसा देखो बार-बार इसको है है ना ना लिख के दिखा रहा हूं, है ना? को पूरा कनेक्ट करा रहा हूँ बिल्कुल साइन थी बात करेंगे सर, थीटा वन बात करेंगे ओके तो आप जैसे बोलते हैं ना एफ वन फोर तो अपोजिट एंगल की बात क्या है जीवन

ओके okay, मैं इस एंगल की बात नहीं करूंगा मैं इस एंगल की बात नहीं करूंगा सर कौन सा एंगल ये वाला एंगल की बात नहीं करूंगा बताइए ये देखो थीटा 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 थ्री प्लस थीटा वन एंगल की बात नहीं करूंगा भैया क्योंकि ये कट कर दे रहा है एफ टू फोर्स एफ टू फोर्स के वेक्टर को एरो को तो मैं कौन सा एंगल की बात करूंगा ये वाला एंगल की बात करूंगा जो कि क्या है बताइए थीटा टू है यस yes, यस yes. F3 थ्री इक्वल्स टू साइन थीटा ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे थीटा थ्री इसलिए मैं बात कर रहा हूँ F3 के लिए ये रहा F3 तो थीटा थ्री इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ये F1 और F2 बीच के बीच का एंगल है ना जी रिमेनिंग बात करते हैं ना रिमेनिंग टू फोर्सेज के बीच का एंगल तो F3 के लिए रिमेनिंग टू फोर्स F1 एंड F2 तो ये थीटा थ्री एंगल की बात है इसलिए क्यों क्योंकि क्योंकि ये F3 फोर्स के वेक्टर को एरो को कट नहीं कर रहा है यदि मैं एफ वन और एफ टू जो कि रिमेनिंग है एफ थ्री के लिए तो ये वाला एंगल की बात करता हूं डियर ये वाला राइट right? तो देखो ये कट कर दे रहा है जो कि क्या होगा थीटा टू तो प्लस टू थीटा थीटा तो प्लस थीटा वन, तो ये तो बात नहीं करेंगे अब बिल्कुल क्लियर हो गए डियर आप अब बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो नंबर ऑफ है ना पॉसिबिलिटी मैंने बात किया नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मैंने बात किया डियर कैसे कैसे आपको ध्यान में रखना है ज दैट क्लियर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यह थ्योरम का तो आई होप आप थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे क्लियर है किस तरह डिफरेंट है थ्योरम और लॉफ ट्राइंगल ये आप क्लियर कर पाएंगे किस तरह सिमिलरिटी है थ्योरम और लॉ ऑफ ट्राइंगल ये भी आप क्लियर कर पाएंगे सिमिलरिटी क्या रियर पता है साइन रूल अप्लाई होता है दोनों में ट्राइंगल की बात होती है दोनों में समझ रहे हैं लेकिन ट्राइंगल जब फॉर्म होता है तो डिफरेंस क्रिएट होता है क्या कि भैया लॉ ट्राइंगल में सेम ऑर्डर पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है

इसी के साथ डियर मैं लेक्चर को यही पास एंड करता हूं क्या बात को ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर लैमिस इक्वेशन के ऊपर क्लियर है उसके बाद हम लोग आ, एक और टॉपिक पढ़ेंगे इस मॉड्यूल थ्री में जो कि है ना फ्री बॉडी डायग्राम राइट काफी इंपॉर्टेंट uh, टॉपिक है क्योंकि विदाउट विदाउट टॉकिंग अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम आप इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को डील ही नहीं कर सकते राइट फ्री बॉडी डायग्राम जान होता है डियर जान होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट का ओके okay? तो चलिए फिर जरूर फीडबैक दीजिएगा वीडियो लेक्चर शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर